बरेली सेंट्रल जेल में 25 साल की सजा काट चुके डॉन बबलू श्रीवास्तव की रिहाई की तैयारी चल रही है। जेल प्रशासन ने बबलू श्रीवास्तव समेत उसके साथी मंगेश और कमल किशोर सैनी की रिहाई का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलते ही 15 अगस्त या फिर उसके बाद बबलू श्रीवास्तव समेत उसके अन्य साथियों की रिहाई हो सकती है। बता दें, पुणे के कस्टम अधिकारी की हत्या के जुर्म में करीब 25 साल से तीनों बरेली की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने तीनों की आचरण रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से अपराध की जगत में कदम रखने वाला ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए कभी काम कर चुका है। गाजीपुर के मूल निवासी बबलू के पिता GTI यानी पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल थे, भाई सेना में कर्नल था। बबलू श्रीवास्तव सन 1982 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करते हुए एक छात्र को चाकू मार दी थी। छात्र को चाकू मारने के आरोप में वो जेल गया था। इसके बाद उसने लगातार अपराध की दुनिया में कदम रखा, कई बड़े अपराध किए। इतना ही नहीं, दाऊद से दुश्मनी के बाद कई देशों में भागता रहा। कस्टम अधिकारी की हत्या के बाद उसे मॉरिशस देश से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। डॉन बबलू श्रीवास्तव पर 60 से अधिक मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला डॉन बबलू श्रीवास्तव ने कानून की पढ़ाई के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसने पुणे के कस्टम अधिकारी की गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी। उसी मामले में बबलू श्रीवास्तव और उसके दो साथी के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई और वह बरेली की केंद्रीय कारागार, ये सामने आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसी जेल के अंदर बनी हाई सिक्योरिटी बैरिक में बंद हैं और वह इसी जेल में हैं। अब उन्हें लगभग 25 साल की वह सजा काट चुके हैं। बबलू श्रीवास्तव और उनके साथियों ने क्षमा याचना के लिए एक याचिका दाखिल की थी। उसमें केंद्रीय सरकार ने बबलू श्रीवास्तव और उनके साथियों के लिए इनके आचरण और व्यवहार के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव की आचरण की रिपोर्ट शासन को जा चुकी है। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो उनकी रिहाई का रास्ता तय होगा। बताया जा रहा है कि अगर शासन से रिहाई का रास्ता तय हो गया तो 15 अगस्त या उसके बाद बबलू श्रीवास्तव और उनके साथियों को यहाँ से रहा किया जाएगा। बबलू श्रीवास्तव और उसके साथी मंगेश और सैनी बरेली की सेंट्रल जेल में 25 साल से कस्टम अधिकारी की हत्या के मामले की सजा काट रहे हैं। उनकी सजा पूरी हो चुकी है। जेल प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। पुलिस और प्रशासन ने भी तीनों के आचरण की रिपोर्ट मांग ली है। वहीं पूरे मामले में बरेली सेंट्रल जेल के DIG RN पांडे ने बताया कि सजा CBI कोर्ट के द्वारा दी गई है। CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, इसलिए तीनों बंदियों की रिहाई करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिहाई का आदेश देगी तभी रिहाई होगी। 15 अगस्त को रिहाई होने का कोई आदेश नहीं है।